हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी आई होप ऑल ऑल्फिया डूइंग ग्रेट ऑल फाइन एंड सेफ आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी फाइव इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम दैट इज बीए ए बी बी इन टू मंथ्स फ्रॉम जीरो तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पूरा का पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं ठीक है एंड देन आई एम टू आल्सो डिस्कस अबाउट द रिसोर्सेज कहाँ से पढ़ना है कौन सी बुक्स में से पढ़ना है कौन सा पहले कवर करना है तो उसके लिए टाइम टेबल भी है यहाँ पर आपको डे टू देट डे टारगेट्स भी मिलने वाले हैं येस लेट्स गेट स्टार्टेड विद टू डेज वीडियो एंड अगर आपको यू नो यू वॉन्ट मोर टिप्स एंड ट्रिक्स विद रिगार्ड टू दिस एग्जाम और एनी अदर लॉ इंट्रेंस एग्जाम डू सब्सक्राइब टूअर चैनल ठीक चलिए यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे कि पहले सबसे पहले डेट कब है देखो यार ट्वेंटी एथ अप्रैल टेन ए एम टू इलेवन थर्टी एम के बीच में आपका ये एग्जाम हो जाएगा डेट आ चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आया है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ नंबर ऑफ सीट्स अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर वन एट्टी प्लस ठीक है वन हैं है प्लस फोर गर्ल चाइल्ड के लिए हैं फिर उसके बाद बी कॉम एल में भी वन एट्टी हैं चंडीगढ़ में लुधियाना में भी इनका सेंटर है वहाँ पे सिक्सटी सीट्स हैं पर वहाँ पे बी ही है बी कॉम नहीं है बी एल में भी सिक्सटी सीट्स हैं उसके बाद अब यार यहाँ जहाँ पे भी एडमिशन हो आप ये लेके चलो कि 180, 180, 60, 60 ये आपके पास सीट्स हैं क्योंकि इनके माइग्रेशन का भी एग्जाम होने लग गया है तो अगर आपको लुधिया होशियारपुर मिलता है तो आप माइग्रेशन के अंदर अच्छा स्कोर करके एग्जाम में आप चंडीगढ़ में आ सकते हो राइट उसके बाद यहाँ पर लीगल एंड जनरल अवेयरनेस का जो इंटरेस्ट है स्कीम है आपका इंटरेस्ट है इसकी स्कीम क्या है यहाँ पर देखिए हंड्रेड क्वेश्चन आएंगे सिक्सटी क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन टेस्टिंग और जनरल नॉलेज मतलब यहाँ पर करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट गेम खेलते हैं एंड ओवर द ईयर ये देखा गया है कि करंट अफेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है यह स्टैटिक जी के भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्सटी क्वेश्चन ही एक आपके जी के के हैं तो यहाँ पर आप जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते तो ये एग्जाम आपका करंट अफेयर्स के बिना सच में क्लियर नहीं हो सकता है ट्वेंटी एप्टीट्यूड फॉर लॉ लीगल एप्टीट्यूड ट्वेंटी मार्क्स का है टेन आपका मेंटल अबिलिटी है एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर टेस्टिंग इंग्लिश ठीक है मेंटल अबिलिटी जो है इसी के अंदर आपका मैथ्स भी आ जाता है और लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाता है इसी पोर्शन में और इंग्लिश टेन मार्क्स का है जो आपका पेपर है लैंग्वेज ऑफ द पेपर आपकी इंग्लिश हिंदी और पंजाबी होगी ठीक है ना हाउ आर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर टीचिंग इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी इंग्लिश मतलब जब एडमिशन हो जाएगी तो इंग्लिश ही चलती है नंबर ऑफ क्वेश्चन हंड्रेड है मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन वन 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर गलत करोगे 90 मिनट्स दिए जाएंगे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए टोटल मार्क्स फॉर द पेपर इज 100 ठीक है जी देखिए अब यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी देखो एंट्रेंस टेस्ट के 50 परसेंट मार्क्स दिए जाएंगे और ट्वेल्थ के 50 परसेंट मार्क्स दिए जाएंगे मतलब यहाँ पे अगर आप अच्छा स्कोर करते हो ट्वेल्थ में तो बहुत बढ़िया हो जाएगा तो अगर आपके बोर्ड के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं एंड आपका पी चंडीगढ़ में एडमिशन लेने का बहुत ज़्यादा यू नो एम है फोकस है इसके ऊपर तो बोर्ड एग्जाम्स में भी अच्छा कर जाओगे तो एडमिशन हो जाएगी बट ऑब्वियसली पेपर में भी अच्छा करना पड़ेगा स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें क्योंकि यहाँ पे जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करिए सिक्सटीन मार्क्स की आपकी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के हैं मिलाकर के तो साइंस जोग्रफी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं ठीक है बुक्स टू क्वेश्चन आप एक इंपॉर्टेंट डेज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इकनॉमिक्स डांसेज एंड फेस्टिवल्स एवरी एवरीवेश कंप्यूटर फैक्ट रिलेटेड टू इंडिया अवार्ड स्पोर्ट्स देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यूनिवर्सल्स की जो बुक है उसके बारे में बात कर लो बढ़ना चाहूँगी यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम आती है ये जो बुक होती है इसमें आप एंथीक्यू रट्टा मार के जाओ समझ के रट्टा मारना है देखो आप क्वेश्चन पढ़ो अगर आपको आंसर पता है कि क्यों है बहुत बढ़िया बात है नहीं है तो गूगल करके अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे यूनिवर्सल्स की बुक अगर हो जाए देन यू कैन गो फॉर अरिहंत बुक ठीक है अरिहंत की एम की बुक्स आती हैं आप कोई भी खरीद सकते हो टू एम uh, सी क्यूज वाली लेकर के उसमें से ये वाले सारे टॉपिक्स लगा सकते हो बट सबसे पहले स्टेप वन के है यूनिवर्सल और फिर स्टेप टू के अंदर ये करना है अगर स्टेप वन ही हो पाता है तो भी बहुत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे टेस्ट के अंदर जो मैंने क्वेश्चन लॉगेरी डॉट इन पर इसके मॉकटेस अवेलेबल है पी यू के वहां पर जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे ना वो जरूर रटता मार लेना वो इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद आता है करंट अफेयर्स देखिए जी के दोबारा से याद करवा देती हूं स्टैटिक प्लस आपका करंट अफेयर्स मिला करके 60 मार्क्स का है तो आप इस एग्जाम में करंट अफेयर्स नहीं छोड़ करके जा सकते आपको जून से लेकर अप्रैल 2024 15 डेज ऑफ अप्रैल 2024 के आपको करंट अफेयर्स कवर कर कर जाने पड़ेंगे द हिंदू अगर पढ़ सकते हो बहुत बढ़िया बात है एजुगिरी पर सिक्स पी पे क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो फॉलो कर सकते हो अगर आपसे वो फॉलो नहीं हो रही है तो लॉकरी पर वन शॉर्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करे गए हैं ठीक है ये वन शॉट लेक्चर्स जो है हर मंथ के अलग से होते हैं ये वन शॉट लेक्चर्स सेवन टू एट आवर्स के होते हैं एंड आपका फुल मंथ प्रिपेयर हो जाता है ये इसमें आपको एक्सप्लेनेशन तो मिलती ही है वीडियो लेक्चर्स में इसमें डी नोट्स भी मिलते हैं इट्स लाइक कि आपको एक कोई करंट अफेयर्स ऑनलाइन मैगजीन प्रोवाइड करी जा रही है और उसके एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करी जा रही है तो लर्न करना समझना लर्न करना ये सारी रिस्पांसिबिलिटी मेरी हो जाती है तो यू जस्ट हैव टू साइन अप वॉच द वीडियो एंड डू वॉट आई एम डूइंग ठीक है एंड ये आप ले सकते हो अगर आपका बैकलॉग है ठीक है ये सारी न्यूज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एंड ऑब्वियसली मॉक टेस्ट के अंदर भी जो करंट अफेयर्स मैं कवर करवा रही हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी बहुत सीरियसली याद करके कर जाना अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैटिक जीके तो इंपॉर्टेंट है ही है बट करंट अफेयर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट एंड ओवर द ईयर्स करंट अफेयर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं ठीक है ना तो कुछ भी हो सकता है 2017 में जैसे 27, 38 का कॉम्बो आया था तो आप रिस्क नहीं ले सकते यू हैव टू स्टडी योर करंट अफेयर्स वेरी नाइसली एज वेल एज स्टैटिक जी के उसके बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आफ्टर करंट अफेयर्स स्टैटिक जी के इट इज लीगल एप्टीट्यूड लीगल एप्टीट्यूड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से फाइव टू सेवन क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी कैसे है ठीक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मेरा अपना कोर्स भी है वो आप बाय कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है ना अगर कोर्स बाय कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन की स्पीड जो है वो थोड़ी स्पीड अप हो जाएगी ये मैंडेटरी नहीं है व्हाट इज मैंडेटरी इसकी यूनिवर्सल्स की वही सेम बुक जिसमें से आप स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस लगा रहे हो वहाँ से आप इसकी थ्योरी पढ़ो और जो एम सी क्यूज़ दिए हुए हैं चाहे वो पी वाई क्यूज़ हैं चाहे वो नॉर्मल एम सी क्यूज़ दिए हुए हैं दो चैप्टर्स हैं ये दोनों चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं दिस इज मैंडेटरी यूनिवर्सल्स इज मैंडेटरी ठीक है ना और कोर्स अगर ले लोगे तो ऑब्वियसली स्पीड अप हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन आपको कोर्स देखते जाना है यूनिवर्सल्स पढ़ती जानी है और बहुत बढ़िया आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उसके बाद आता है आपका टॉर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल लॉ देखो यार अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो तो एल एन एल आर बाय विली की बुक में से आप थ्योरी पढ़ सकते हो बट अगर आपके पास यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम तो आप यूनिवर्सल में से ही इन शॉर्ट ये सारी पढ़ सकते हो लीगल एप्टीट्यूड नाम का टॉपिक है वहां पर ये वहां से आप रीडिंग मार सकते हो अच्छे से स्टडी कर सकते हो लीगल जी के लिए आपको यूनिवर्सल लेनी जरूरी है लीगल अवेयरनेस एम करके वहां पर एक टॉपिक है वो आपको स्टडी करना रहेगा ठीक है उसके बाद आपको मिसलिनियस मुस्लिम लॉ इंटरनेशनल लॉ के जो क्वेश्चंस हैं वो मॉक टेस्ट में कवर करवाए हुए हैं नहीं तो एल ए एन एल आर बाय विली में भी ये टॉपिक्स कवर किए हुए हैं मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत सीरियसली पढ़ा प, पढ़ना बिकॉज बहुत अच्छे से कवर करवाया है वहाँ पे ये टॉपिक्स लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स के लिए लॉगेरी डॉट पे मैंने एक पी शेयर करे हुए हैं दो पी डी एफ इनफैक्ट शेयर किए हुए हैं वो दोनों डाउनलोड करके याद करने लग जाओ दो वीडियोज करी हुई हैं लॉगरी पे लीगल टर्म्स लॉगेरी टाइप करोगे आपको वीडियोज मिल जाएंगी लैंडमार्क जजमेंट्स और कमिटीज एंड कमीशन पे भी वीडियोज करी हुई हैं ये वीडियो देखकर नोट्स बनाकर उनको रट्टा मार जाना बढ़िया नंबर आ जाएंगे उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश की इंग्लिश में सानोनिम इंटोनिम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी से रट्टा मारना स्टार्ट कर दो ईडियम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके लिए आप एस बी बख्शी की बुक जो है वो खरीद सकते हो ठीक है फिलअप्स जो है वो प्रैक्टिस करने हैं आपको पहले ग्रामर टेंसिस प्रिपोजिशन एंड सब्जेक्ट वो अग्रीमेंट करोगे एंड फिर आप फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस कर सकते हो उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग सीरीज कोडिंग डी कोडिंग ब्लड रिलेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अरिहंत की बुक ले सकते हो या फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बा आर एस अग्रवाल इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हो योर गुड टू गो उसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन सेंस टेस्ट पजल टेस्ट एनोलॉजी ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन के नाम से दिया होता है कई बुक्स में तो कन्फ्यूज नहीं होना एंड अगर आपको कंक्लूजन और सिलॉजिजम अच्छे से पढ़ने हैं तो आप एम के पांडे नाम की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हो इन बुक्स में से मत पढ़ना यहाँ पर ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इन दो टॉपिक्स के लिए उसके बाद आता है मैथ मैथ के लिए 18 डेज वंडर या फिर 30 डेज वंडर ले लेना अगर आप सी यू टी यू जी का एग्जाम भी दे रहे हो तो 30 डेज वंडर बाय एस चंद में इन्वेस्ट करना क्योंकि उसमें ज़्यादा चैप्टर्स कवर्ड हैं ठीक है दो इसके अंदर वो सारे इतने सारे, नहीं आपको यहाँ पे 30 डेज वंडर ही लेनी पड़ेगी प्रॉबेबिलिटी के लिए थर्टी डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आपको लेनी है उसके बाद ये आपका टाइम टेबल है देखिए अगेन अगर आप बोर्ड्स के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं ये वाला एग्जाम ऐसा है कि बोर्ड्स में भी आपको थोड़े अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे टू हैव अ गुड स्कोर क्योंकि 50 परसेंट बोर्ड के मार्क्स भी इंक्लूडेड होंगे तो आप बोर्ड्स के साथ साथ वन आर दे दीजिए आप ऐसा करिए जो करंट अफेयर्स है वो खरीद दीजिए दिसंबर के जैसे करंट अफेयर्स मतलब ट्राई करो कि मार्च मार्च में आप कम से कम एक से दो महीने के करंट अफेयर्स कर कर आओ तो आपके लिए ईजी रहेगा एंड जो फुल टाइम प्रेपरेशन अभी से करना चाहते हैं उनके लिए ये शेड्यूल है ठीक है यू हैव टू अटेम्प द मॉक टेस्ट लॉगरी डॉट इन पर अवेलेबल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मॉक टेस्ट के साथ आपको गाइडेंस कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है करंट अफेयर्स जो है वो बिल्कुल अपडेटेड है आप देखेंगे कि हम एक एक करके मॉक टेस्ट डालते हैं क्योंकि आपके जो रीसेंट मंथ्स के रीसेंट डेज के भी क्वेश्चन uh, हैं वो मॉक टेस्ट में इंक्लूड करे जाते हैं बिकॉज आप देख ही रहे हैं सिक्सटी मार्क्स के आपकी जी है तो करंट अफेयर्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ठीक है तो मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो ये फ्री वाले देखिए डब्बे देख रहे हो फ्री वाले यहाँ से आप रिविजन स्टार्ट कर सकते हो मतलब आपका बहुत बहुत सिलेबस खत्म हो रहा है तो रिविजन स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से ठीक है एंड या करंट अफेयर्स आपके चलते रहेंगे अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं करंट अफेयर्स के देखिए नोट्स जो होने चाहिए वो दो हिंदू बेस्ड होने चाहिए अगर वो हैं तो वहाँ से आप कर सकते हो अगर आपका बैकलॉग है देन यू कैन गो फॉर आवर वन शॉट्स जो कि अवेलेबल हैं लॉगरी डॉट इन पर वन शॉट्स आप खरीद सकते हो ठीक है ना ये वन शॉट्स के बारे में आपको बता देती हूँ वन शॉट्स जो है सेवन टू एट आवर्स के होते हैं फुल मंथ आपका प्रिपेयर हो जाता है डिजी नोट्स दिए हुए हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं आप इनमें से रिवाइज भी कर सकते हो लर्न और अंडरस्टैंड क्लास में ही आपका लर्न तो बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है क्योंकि सेवन टू एट आवर्स में ही हो जाता है तो वन शॉर्ट करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन लॉगिरी डॉट इन और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डू चेक दैट आउट दैट्स इट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है कौन कौन मेहनत करने के लिए तैयार है वो जरूर बताना चैलेंज एक्सेप्टेड लिखकर जाना इन द कॉमेंट सेक्शन दैट्स इट लॉगरी साइनिंग ऑफ आई सी यू सुपरसून बाय एंड टेक केयर